तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनी ब्लॉग। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है 12:15। वैसे तो अब दोपहर हो चुकी है और गाइस ये लड़की तो अभी तक सो रही है, आपको तो पता ही है जब ये आती है तो पूरे टाइम सोती रहती है। और ये अपनी गाड़ी में लगे हुए हैं क्योंकि कल इन्हें गाड़ी में कांड करा था। गाड़ी को हम लोगों ने मालूम किया है, इससे चमका दिया है यार, एंटी डस्ट है। गाइस इनने कल गाड़ी ठोक दी थी और पूरे स्क्रैचेस आ गए गाड़ी पे और धप्पा पटका पड़ गया, एक निशान आ गया। कुछ भी करते रहते हैं, गाड़ी अच्छे से नहीं चलाते। जब हम लोग स्कूल से आ रहे थे ना कल, जब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने कहा मुझे गुस्सा आ रही है, मैं नहीं बनाऊँगा ब्लॉग, अम्मा को शिकायत करूँगा। तो बना लिया होता उसका गाड़ी का नंबर नोट हो गया था जो ठोक के भगा था, उसको पकड़ देते हैं तो 5,000 रुपये तो दे देते। अच्छा वो बेचारा वैनिटी वाला, वो कब 5,000 देगा? भगा था वो, नहीं भगा था, आप ही की गलती थी। अगर वो पैसा निकल था आपकी गलती थी, नहीं आपकी गलती थी। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो ये कैसी बैठी यहाँ ऊपर हैं तुम? कुर्सी रख लो और बैठ जाओ जी, स्टूलें रखी इतनी सारी। और कहा देखना आप घर पगड़ी हुए। और गाइस आज हम जाएंगे माता देखने, और ये भी जाएंगी, आज तक का व्रत नहीं है क्यों? व्रत नहीं है लेकिन कल के व्रत ने आज बहुत हालत खराब कर दी। कोई बात नहीं, चलता है, आदत पड़ गई अब तो। कॉपीराइट आ जाएगी। माँ भूख लगी है, खालो बेटा मूंगफली है। अरे तेरे छोटी मैम कितने खा दे रही, क्यों? मैं तो आटे ही सूखा खा लिया करो, रोटी का बनवाते हो? क्या है फिर, कल जाना है इसलिए फटाफट ये काम निपटा लें, फिर पैकिंग भी करनी है। तो खाना दे दो, खाना बस इतना हो, बस फटाफट दे, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखना उसे। ठीक है आप लोगों को खाना, सबके घर पे तो होते ही है, गेहूँ खाओ। नहीं हम उठा रहे, रुक जाओ उसको, आप उठती नहीं है, बड़ी आई जाके हम वहीं लेट जाएंगे लाइट चालू करके। ओ गणेश जी लगा, वो पास में जाके लगाओ ना आराम से, इधर जय गणपति गजानन जी महाराज, सदा भला करना, खुश रहो दीदी। ओ बहन जी हमको थोड़ी सी और कुछ नहीं चाहिए, आपको थोड़ी सी दाल चाहिए, अब रुकेंगे कहीं भोजन बनाएंगे, और पंडित जी का द्वार है इसलिए कह दिया दाल ही, थोड़ा गेहूं दे सकते हम, दाल तो आज ही पूरी खत्म हुई है, गेहूं हम खिला देंगे हाथी महाराज के। गाइस तो हमारे इधर पर आए हैं हाथी महाराज जी, ये देखिए अभी हम उनको केला खिला के आए हैं और थोड़ी सी गेहूं और दान कर दें। गेहूं दे देते हैं, अच्छा रहता है गेहूं दान करना, तो गाइस हम ऊपर से लेकर आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस तो आज फिर से मम्मा पापा और दीदी निकल चुके हैं घर के बाहर और हमें घर पे छोड़ के चले जाते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हाँ गाइस हमें छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को माता देखने जाना है, कल खुद अकेले अकेले चले गए थे पता है आपको।
कल बड़े पापा और बड़ी अम्मा चले गए थे माता देखने अकेले अकेले, कोई सस्पेंस ही नहीं छोड़ा, खुद ही देख कर आ गए। बोलो कुछ तो करना पड़ेगा। और गाइस आपको देखने हैं छोटे वाले तरबूज, भैया दिखाएगा, भैया छोटे वाले तरबूज दिखाओ, लेकर आओ एक तरबूज लेकर आओ। क्या गाइस आपने छोटे छोटे वाटरमेलन देखे हैं इतने इतने से? आपने बड़े वाले तो देखे ही होंगे, छोटे वाले भी देख लो। तो चलो गाइस भैया दिखाने वाला है आपको, 1 2 3 ये देखो गाइस छोटे वाले वाटरमेलन, ये आप खाओगे बड़े टेस्टी लगते हैं। ये एक आता है 1 लाख का। हाँ ये म्यूजियम से लाए हैं खरीद के। ये छोटे छोटे वाटरमेलन ये खा नहीं सकते हैं। आगे आगे जाके ये 2050 में ऐसे वाले तरबूज आएंगे, है ना भैया? 2050 में ऐसे आएंगे। हाँ 2050 में ये वाले तरबूज आने वाले हैं। हम गए थे टाइम मशीन से थोड़ा पास्ट में, पास्ट में अरे सॉरी फ्यूचर में, फ्यूचर में गए थे और ये लेकर आए। तो आप लोग भी खा लो, वैसे बहुत खट्टा रहता है, ऐसे आगे जाके खट्टे होने लगेंगे। और जिनको पता है उनको तो पता ही है ये क्या चीज़ है। बहुत सारे हैं देखो, इसको रखे रहने दो यहीं। कम से कम 1 करोड़ का स्टैक है। वाह 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 वाह, बहुत होशियार, अच्छा होशियार होता जा रहा है ब्लॉग में। तो चलो गाइस मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर बाद, आज तो माता देखने जाएंगे अपन, ठीक है गाइस। तो अभी इनका कॉल आया और कहती हैं कि हमें लेने आओ, शिखा मामी के घर पे हैं हम, और पापा इनको छोड़ के भग गए अपने काम से। तो चलो चलते हैं, चाबी तो अंदर ही रह गई। हमें अच्छा आप भी हो अंदर, हमने तो देखा ही नहीं है आपको। लाइट जला दो जरा इधर की। हाँ तो दिखाई नहीं रहा अंधेरा पूरा, ये बात। तो चलो जल्दी से गेट लगा देते हैं और चलते हैं इन लोग को लेने। हमें तो कॉल लगा के कह दिया हम नहीं आ रहे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। चलो सीप दबा के दम दम आते हैं भैया थोड़ी देर में, फिर मूवी देखें अपन टाइगर, फिर माता देखने। हाँ माता देखने भी चल रहे हैं आज, पिताश्री को कॉल लगाने पड़े। चलो गाइस आते हैं इनको लेकर। गाइस तो इनको लेकर आ चुका हूँ मैं, और गाइस इनने पापा को भी कॉल लगा दिया था, तो पापा भी आ गए थे लेने। क्यों तो अब क्या लेकर आ गए? कौन सा सूट लेने आना था? क्यों वाह इतने सारे हजारों लाखों कपड़े हैं उसके पास, हर बार तो उसे कपड़े आते, हर महीने में एक बार तो कपड़े लिए जाते। हमें देखो यही देखते हैं आप लोग हमेशा, जब भी कहीं बाहर जाएंगे तो ये वाले कपड़े, और कहीं अंदर रहेंगे घर में तो चड्डा और वो टी शर्ट है, 3 जोड़ी टी शर्ट हैं वही दिखती हैं आपको हमेशा। अपन को ऐसे कपड़े अच्छे लगते भाई, ज़्यादा ओवर कहाँ हम नहीं जा रहे कहीं अब, वही तो परेशानी है ना। तो गाइस हम नहीं जाएंगे कहीं, माता देखने जाएंगे।